भारत लाइव के संपादक नमन मिश्रा जी कहते हैं कि नीतीश कुमार की रणनीति और उनके फैसले, उनके चौंकाने वाले फैसले जो हैं, उसे समझना, नीतीश कुमार को समझना बहुत मुश्किल है। ये इतना मुश्किल है कि नीतीश कुमार कब किसे चौंका दें, किस बात के लिए कौन सा फैसला कर लें, बड़ा मुश्किल होता है। नीतीश कुमार लगातार बिहार की राजनीति में पिछले 16-17 सालों से सक्रिय हैं और इस बीच उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए और उनके फैसलों को आज भी लोग अध्ययन करते हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह की राजनीति की है उसे राजनीति शास्त्र में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से साम दाम दंड भेद और वक्त के हिसाब से चौंकाने वाले फैसले लेने का इतिहास शायद किसी का रहा हो। नीतीश कुमार सत्ता में बने रहने और कुर्सी के लिए कोई भी समझौता कभी भी कर सकते हैं और ये सभी जानते हैं। आपको बता दें कि एक खबर जो भीतरखाने से आ रही है वो खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अभी दिल्ली और गुड़गांव में हूँ। इस बीच में कई नेताओं से हमारी बात दिल्ली में भी हो रही है और दिल्ली के नेताओं की बातचीत के आधार पर ये कहा जा सकता है और उनके जो भीतरखाने में चर्चाएँ चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसकी तैयारियां तो कर ही रही है, उसके साथ ही बिहार में विधानसभा के चुनाव की भी पटकथा लिखी जा रही है। ये बातें नीतीश कुमार से अछूती नहीं रह सकती हैं। नीतीश कुमार के भी सूत्र हैं और सत्ता में रहने के साथ साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के साथ साथ, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी की बिहार में होने वाली गतिविधियों का पता चल जाता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कभी भी कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। आपको पता है कि नीतीश कुमार हाल फिलहाल में जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी भी देख रही है और बिहार सहित देश दुनिया की जनता भी देख रही है। अचानक से 5 वर्षों के बाद लालू और राबड़ी के आवास में नीतीश कुमार का इफ्तार पार्टी में पैदल जाकर के शामिल हो जाना ये सामान्य बात नहीं है। इसके साथ ही एक लंबे समय के बाद अपनी पार्टी के इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव को बुलाना और प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ बैठ करके उन्हें सम्मानपूर्वक गाड़ी तक छोड़ने जाना ये एक अलग कहानी कह रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मन बनाया है कि वो विधानसभा के भी बिहार के में चुनाव करा दे। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वो अब उस स्टेज में है जिस तरह से 2020 के चुनाव के परिणाम आए उसे देख करके काफ़ी उत्साहित भारतीय जनता पार्टी इस तरह के फैसले ले सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि बड़ी पार्टी होने के कारण उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने हाथ में रखनी चाहिए। 2020 के चुनाव परिणाम के पहले नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को ये बात कहलवा लिया था कि मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे। अगर देखा जाए तो इतिहास के पन्नों में नीतीश कुमार के चौंकाने वाले फैसले हमेशा चर्चा में रहे हैं। नीतीश कुमार माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं राजनीति के और चाणक्य की धरती से भी आते हैं। इस बात को लेकर के आपने देखा होगा कि जब प्रशांत किशोर से भी बातें चर्चाएं चल रही हैं उस समय भी वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि नीतीश कुमार को समझना बड़ा मुश्किल है, उनका दायां हाथ क्या करता है बाएं हाथ को पता नहीं चलता है, सबके सामने सर से टोपी गायब कब कर दें ये कहना मुश्किल होता है। इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना से लेकर के लालू प्रसाद के साथ आना और फिर वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ NDA में चला जाना ये बहुत कुछ बताता है और दर्शाता है कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको जैसा कि पता है कि 2020 के चुनाव में जदयू को कम सीटें मिली और उसके बावजूद मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी को ये टीस हमेशा सालती रहती है। संजय जायसवाल ने पिछले दिनों यह बात कही थी कि नीतीश कुमार 2025 तक NDA के नेता हैं, जदयू नेताओं ने के तरफ से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो या फिर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हो, उन्हें BJP अध्यक्ष के खिलाफ कई तरह के बयान देने की बात सामने आई थी। इसके साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी इस बात की तरफ इशारा कर रही है या जो बिहार के नेता हैं उन पर दबाव बना रही है कि वो नीतीश कुमार से के साथ संबंधों को ठीक रखें, ये कहा जा रहा है, भीतर खाने में चर्चा है। और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के जानकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ कोई बड़ा खेल कर सकती है, लेकिन
नीतीश कुमार को लेकर के भी ये बातें जबरदस्त चर्चा में है कि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन बहुत सारे हैं और उन विकल्पों के साथ नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में जदयू के नेता भी पूरी तरह से अलर्ट हैं और दूसरी तरफ हमने आपको खबरों में पहले ही बता दिया था कि तेजस्वी यादव भी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सलाह मशवरा करने के साथ साथ अपने विधायकों और पूर्व विधायकों और पदाधिकारियों को अलर्ट मोड में रखने और रहने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके मायने क्या हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय मान के चलिए कि बिहार की राजनीति में उथल पुथल बड़ी तेज़ी से हो रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।